ओम साई राम। श्री साई बाबा की समाधि को 15 अक्टूबर 2018 को 100 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे विश्व भर में साई समाधि शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। साई भक्तों की संख्या अब करोड़ों की तादाद में पहुंच चुकी है। ये करोड़ों साई भक्तों की संख्या ऐसे ही नहीं बढ़ी है। समाधि लेने के बाद भी हम जैसे करोड़ों साई भक्तों को हमारे साईनाथ ने न केवल दर्शन दिए हैं बल्कि हर एक दुख दर्द और आपदा में साथ होने का एहसास भी दिलाया है। श्री साई बाबा पर हम साई भक्तों को इतना विश्वास है कि संकट की घड़ी में हम अपने आप को साईं जी के और करीब और सुरक्षित होने का अनुभव महसूस करते हैं। ऐसे ही करोड़ों साईं भक्तों के अनुभूतियों को आप तक पहुंचाने के लिए साईं लीला टीवी का निर्माण हुआ है। पिछले 100 सालों में श्री साईं बाबा साईं भक्तों को कैसे और किस रूप में मिले, ये उनके ही मुख से सुनकर हम श्री साईनाथ के एक प्रकार से दर्शन ही प्राप्त करेंगे। यही प्रयास मेरे साईं मेरा विश्वास इस अनोखे कार्यक्रम का है। ये अनुभव बहुत ही व्यक्तिगत और निजी है, फिर भी हम उन सभी साईं भक्तों के आभारी हैं कि ये अनुभव आप तक पहुंचाने का हमें मौका दिया और साईं समाधि शताब्दी वर्ष में साईं सेवा करने का अवसर प्राप्त किया है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। साईं बाबा कहते हैं मैं भले ही शरीर में नहीं हूँ लेकिन जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा मैं दौड़ कर आऊंगा और हर प्रकार से अपने भक्तों की सहायता करूंगा। साईं बाबा के स्मरण मात्र से ही सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और भक्तों का विश्वास कभी नहीं डगमगाता। ऐसा ही हुआ दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहने वाली नीलम खेमका जी के साथ। नीलम खेमका जी का साईं पर 16 सालों से अटूट विश्वास है, लेकिन यह विश्वास और भी अटूट हो गया जब नीलम जी ने साईं बाबा की महिमा का प्रत्यक्ष दर्शन किया। साईं के ऊपर मेरा विश्वास वैसे 16 साल से है, लेकिन अभी 2 महीने में जब मैंने उनके चमत्कार देखे हैं उनसे मेरा विश्वास दुगना बढ़ गया है। अभी जब मार्च के महीने में मेरे हस्बैंड को भयंकर कमर का दर्द हुआ था और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, वहाँ डॉक्टर ने एक नई बीमारी को बता दिया कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, और जब उनका ऑपरेशन होने लगा तो डॉक्टर ने ऑपरेशन को फेलियर करके कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है क्योंकि उनके लिवर में प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा बाबा ये क्या कर रहे हो, ऑपरेशन हुआ भी नहीं और एक नई प्रॉब्लम सामने ला दी, कैसे हो गया ये सब। तो मन में सोचा कि जो हुआ अच्छा हुआ, पर क्या अच्छा हुआ, क्योंकि जो लिवर की प्रॉब्लम वो एंड टाइम तक नहीं पता लगती, वो मुझे पता चल चुकी थी। बाबा ने कहा ये प्रॉब्लम तुम्हें मैं अभी बता रहा हूँ, इसका इलाज अभी तो है, आगे नहीं होता जो पता नहीं चलती। फिर बाद में उन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल को रेफ़र किया, मैंने डॉक्टर अनिल अरोड़ा को मिला, उन्होंने कहा कि लिवर की कंडीशन जो है बहुत ख़राब है, सिरोटिक लिवर हो चुका है इन्हें और कभी भी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तब दिल घबराया कि बाबा आपको ही साथ देना है, जैसे कहते हैं ना संकट की घड़ी में बाबा साथ चलते हैं कि मेरे दुख के दिनों में बाबा मेरे काम आए, तो वो सच हुआ है मेरे साथ। मैं जब हॉस्पिटल के अंदर जा रही थी वहाँ सारे टेस्ट होने थे तो मैंने कहा बाबा यहाँ तो दिख नहीं रहे आप कहाँ हो, तो विश्वास नहीं हुआ, पास में एक बाबा का डोला वहीं पर था जो एक हफ्ते के लिए वहीं लगा रहना था, इनका बाबा यहाँ तो आके विराजमान हो गए। और एक हफ्ता ही मैं हॉस्पिटल रही और जब तक वो डोला वहाँ पर रहा तो बाबा साथ बैठ करके बाबा ने वो सारे ऑपरेशन से जो पहले टेस्टिंग्स होती थी वो सारी करवाई, तो विश्वास बढ़ता चला गया। अब घर आए वापस, घर आकर के भी बाबा जब आपने बीमारी को बता ही दिया तो इसको एंड तक मेरा साथ आपको देना पड़ेगा। वापस फिर डॉक्टर एक दिन और फिर अचानक कमर में दर्द हुआ, फिर से एडमिट हो गए, तो डॉक्टर ने कहा अब तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। मन में सोचा चलो बाबा यही जो ठीक है, ऑपरेशन कोई बात नहीं, ऑपरेशन कर लेते हैं। अब वहाँ पर सोचा कि कैसे, उस दिन वीरवार था कि मैं चाहती थी कि ऑपरेशन से पहले मैं बाबा की दिया बत्ती कर लूँ, पर हॉस्पिटल में दिया बत्ती मैं कैसे करूँगी, कहाँ से करूँ। लेकिन विश्वास नहीं हुआ, वेटिंग लाउंज में छोटा सा मंदिर और मंदिर में बाबा, और वहाँ पर पास में बत्ती जोत घी सब चीज़ रखी थी जो मैंने जलाई और पूजा करने बैठ गई। ऊपर से तब सिस्टर का मेरे को कॉल आया कि ऊपर आ जाओ आपको कॉन्सेंट फॉर्म साइन करना है। मैं ऊपर गई,
मेरे साथ कैलेंडर फॉर्म में बाबा थे, पर मैं ऊपर कैसे रखूं उन्हें। तो सिस्टर ने मेरे से फाइल ली और बोले कि जाओ नीचे, मुड़ के कहती है ये भी मुझे दे दो कैरी बैग, जिस कैरी बैग में बाबा का कैलेंडर था। तो तब लगा कि बाबा वहाँ ऊपर रहना चाहते हैं, जो वो अपने भक्त का कार्य तो पूरा ही करेंगे ना। वो वहाँ पर ऊपर सिस्टर के साथ चले गए, मेरे हस्बैंड के जहाँ पर ऑपरेशन होना था बेड के पास वो कैरी बैग उन्होंने रख दिया। मैंने नीचे आके बाबा की जोत बत्ती की, जो मुझे विश्वास भी नहीं था वहाँ हॉस्पिटल में मिलेगा मुझे सब कुछ। और अपने अंदर से ही आवाज़ आई कि आपका ऑपरेशन हो गया और सच हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं बाहर आई तो ऊपर से कॉल आया कि आपके हस्बैंड का ऑपरेशन हो गया है और बिल्कुल ठीक हो गया है। ऊपर मुझे बुलाया, वहाँ पर वो कैरी बैग मेरे हाथ में देकर बोले ले जाओ काम हो गया। अब मन में सोचा कि ये सिस्टर नहीं मेरे बाबा बोल रहे हैं कि मैम मैं तुम्हारे संग चलता हूँ, आपका काम हो गया, ऑपरेशन करवा दिया। अभी अब फिर मेरे हस्बैंड को इको में प्रॉब्लम आई, उनका एंजियोग्राफी होनी थी। मैंने कहा बाबा एक के बाद एक बीमारी दिखाते चले जा रहे हो, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो एंजियोग्राफी के लिए जब मैं वहाँ पर कार्डियक में गई, अंदर मेरे हस्बैंड को ले लिया और मैं बाहर वेटिंग लाउंज में बैठी थी ये सोच करके कि बाबा यहाँ कहाँ मिलेंगे। विश्वास नहीं हुआ, वहाँ एक छोटा सा मंदिर और बीच में सेंटर में छोटे से बाबा। मैंने कहा हर जगह ये बाबा मुझे दिख रहे हैं और बाबा पहले से हर बीमारी को बता रहे हैं और उसका फिर ये भी बता रहे हैं कि इसका इलाज करवा लो, अभी ये जो इलाज है ये संभव है। और फिर उसके बाद सक्सेसफुली मेरे हस्बैंड का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ और बिना किसी तकलीफ के सिरोटिक लिवर से जो पस पड़ चुका था पूरा गॉल ब्लैडर वो रिमूव करके बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल दिया। अब वो स्वस्थ हैं, आज मेरे साथ हैं। और इसके बाद अभी एक दूसरे हॉस्पिटल में मैं गई थी, वहाँ पर ILBS के अंदर, ये सोच कर कि इस हॉस्पिटल में पता नहीं बाबा यहाँ भी साथ देंगे या नहीं देंगे या कैसे है, क्योंकि सेकेंड ओपिनियन लेना ज़रूरी था यहाँ पर भी कि क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांटेशन उन्होंने 100% मेरे को बोल दिया था। आज ही मैं उधर डॉक्टर के पास गई, मेरे को बिलीव नहीं हुआ, जो डॉक्टर ने रिंग पहनी थी रिंग में बाबा थे। मतलब डॉक्टर के हाथ से, डॉक्टर नहीं लिख रहा था बाबा लिख रहे थे और मुझे बोले डोंट वरी इनके ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है ही नहीं, ये वैसे ही ठीक हो जाएंगे। और पल पल जो बाबा का मैंने चमत्कार देखा है, अब मुझे लगता है कि वाकई मेरे साईं हैं, जो वो मेरा विश्वास है और मेरा बेटा सबका ही विश्वास है। साईं पर विश्वास मैंने जितना किया मुझे उससे ज़्यादा साईं ने वापस किया और अपना विश्वास बढ़ाकर पल पल वहाँ उन्होंने मेरा साथ दिया। आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े हैं, मैं आपको सब उनसे मिलवाती, जिनकी उन्होंने उम्मीद ही ख़त्म कर दी थी आज वो मेरे साथ हैं और मेरे साथ खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा की वजह से। मैंने किसी और को नहीं देखा, सिर्फ मेरे साईं को देखा, वो मेरे साथ चल रहे थे, कभी कैलेंडर फॉर्म में, कभी पिक्चर फॉर्म में, कभी डॉक्टर की रिंग के फॉर्म में, कभी मंदिर के अंदर मूर्त के रूप में, वो हर जगह मेरे साथ थे। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।